हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रीतम मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, और जिस तरह की जीत प्रीतम आपने दर्ज की है, नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है वाकई। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से ये मानती हूँ कि ये जो मेरी जीत है, जिसका एक आज रिकॉर्ड बन गया है अपने देश में, तो ये जो जीत है ये मैं वैयक्तिक तौर पे अपनी जीत नहीं मानती हूँ। मैं इसको जो है मेरे पापा की विचारधारा और पापा के काम की जीत मानती हूँ, और जो लोग मेरे पापा से हमेशा जुड़े रहे उनके विश्वास की ये जीत है। आपके पिता को न सिर्फ महाराष्ट्र के लोग बल्कि इस पूरे देश के लोग बहुत इज्जत, बहुत आदर करते थे उनकी। हमने देखा कि किस तरीके से पंकजा भावुक हो उठी, किस तरह से आप भावुक उठी। किसी भी तरह की जो जीत है वो क्या उन भावनाओं की बराबरी, क्या ये जीत उस कमी को पूरी कर पाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं। कोई भी जीत, कल की जीत हो या आगे आने वाली पूरी जिंदगी में हमारी कोई भी जीत, ये कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी ये जीत, हमारा ये सक्सेस देखने के लिए मेरे पिताजी हमारे साथ में नहीं है। तो आज हम दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा भी अगर पद हम अचीव कर ले तो उसमें भी एक खालीपन जरूर रहेगा, क्योंकि ये देखने के लिए हमारे पिताजी हमारे साथ में। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन हो, इसको लेकर बहुत चर्चा होती है, अलग अलग नाम सामने आते हैं, पंकजा जी का भी नाम सामने आ रहा है। व्यक्तिगत तौर पर आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं? व्यक्तिगत तौर पे आज की स्थिति में तो कह पाना मुश्किल है, अगर आप मुझे ये पूछेंगे तो व्यक्तिगत तौर पे मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने, पर आज दुर्भाग्यपूर्ण पिताजी के ना होने के समय पर आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि राज्य में भाजपा की सरकार आ सकती है, तो इसके बाद जो भी पार्टी के लिए अच्छा होगा वो पक्ष श्रेष्ठी जो निर्णय लेंगे वही पार्टी के लिए अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। प्रीतम, डॉक्टर हैं आप, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, साथ में बीजेपी में की तरफ से जब चुनाव लड़ा, पहला कदम राजनीति में आपका है, लेकिन कोई ख्यालात आपके इस बारे में है कि बीजेपी को समर्थन लेना किसका चाहिए? जो एनसीपी तैयार है देने के लिए बिना शर्त समर्थन, क्या उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए बीजेपी को? मेरे लिए इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैंने आज किसी और जगह पे भी ये बात कही है कि आई एम जस्ट अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। बहुत सारे सीनियर नेता हैं जिन्होंने पार्टी के शुरुआती नींव रखने से काम किया हुआ है, तो ऐसे दिग्गजों के सामने मुझे अपनी राय रखना उचित नहीं लगता। बहुत शुक्रिया प्रीतम, शुभकामनाएं आगे के लिए आपको। हालांकि जहां पर पार्टी के दिग्गज नेता इस बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, प्रीतम आपने ये सारी बातचीत हमसे की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।